हेलो दोस्तों, क्या आप भी काइन मास्टर एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं अपने वीडियो को एडिट करने के लिए? बहुत से लोग जो एंड्रॉयड फ़ोन से वीडियो को एडिट करते हैं वो काइन मास्टर एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। और काइन मास्टर में कुछ ही दिन पहले बहुत ही कमाल की फीचर आई है, गेट प्रोजेक्ट। उसमें ढेर सारी टेम्पलेट देखने को मिल जाती है हर एक कैटेगरी में। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ और एडिट करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं एक बात जो बोलना नहीं चाहता हूँ, आप ऐसे ही कर लोगे, बट कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है? सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे ही आप काइन मास्टर एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको लेटेस्ट वाले वर्जन में आपको इस तरह से गेट प्रोजेक्ट का आइकॉन शो होगा। उस पर आपको सिंपली टैप करना है और यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारी टेम्पलेट आपको देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे हर एक कैटेगरी में आपको टेम्पलेट अवेलेबल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट में भी आप यहाँ पे एडिट करके यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो भी वीडियो है उसमें बहुत ही इजीली आप किसी भी चीज़ को एडिट करके उसमें डाल सकते हैं और इससे काफ़ी आसानी होगी आपको वीडियो एडिट करने में, बहुत ज़्यादा मदद भी मिलेगी। तो हर एक कैटेगरी में अवेलेबल है यहाँ पर टेम्पलेट, आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं एक टेम्पलेट है, इसको आपको हम डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें जितना भी प्रोजेक्ट इसमें यूज़ किया गया, इसमें जितना भी क्लिप, टेक्स्ट, उसके बाद साउंड इफेक्ट, सभी चीज़ आपको डाउनलोड करना होगा। तो आगे चल के मैं एक प्रोजेक्ट इसको एडिट नहीं करूँगा, नेक्स्ट हम देखते हैं और भी कोई अच्छा सा एक टेम्पलेट मिल जाए, उसको मैं एडिट करके आपको दिखाऊँगा। तो कॉमेडी सेक्शन में बहुत ज़्यादा है और कुछ कुछ चीज़ है जिसमें अभी लिमिटेड है। आगे चल के आई होप कि होप करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। सो अभी तो इतना ही लिमिटेड है। तो इस टेक्स्ट को जैसे ही मैंने डाउनलोड किया तो इसमें कुछ आपको देखने को मिलता है और इसमें सिंपली आप किसी भी कहीं से भी जाके एडिट कर सकते हैं, उस चीज़ को एडिट करके हटा सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख दिए और देख सकते हैं इस तरह से अब ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर उसमें स्मॉल और कैपिटल का यूज़ है तो दोनों का यूज़ करना है या फिर पूरा कैपिटल है, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, ठीक है? बस देख सकते हैं कि इतना बड़ा एडिट का काम मेरा मिनटों नहीं सेकेंडों में हो गया। तो जो टाइम लगेगा आपको डाउनलोड करने में लगेगा। और इसमें इंस्टाग्राम का जो स्टोरी होता है वो भी आप लगा सकते हैं एडिट करके, ब्लॉग के लिए भी एडिट कर सकते हैं, कॉमेडी में भी बहुत ज़्यादा है इसमें टेम्पलेट जो है। तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं इसको मुझे एडिट करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे मान लो कि स्टोरी अपलोड करना है। तो सिंपल है, यहाँ पर एडिट करेंगे इस तरह से, जो भी एसेट्स यूज़ इसमें हुए हैं उस सभी को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड ऑल पे क्लिक करेंगे, आपका सभी जो भी है डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से रिप्लेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा आपको, उस पर टैप करके, अभी एक नया फीचर आया रिप्लेसमेंट, इसमें आप सिंपली रिप्लेसमेंट में जाके अपना इमेज अपलोड करो एंड जो भी नाम है उसको एडिट कर लो। टेक्स्ट पे जाओ और यहाँ से टेक्स्ट को चेंज कर दो, सिंपल। अब यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, उसका नाम हटा के। तो बहुत ही ईजी हो गया है टेम्पलेट को यूज करना, किस तरह से इसको एडिट करना है। टेम्पलेट भी हम इसे बोलते हैं वैसे वीडियो एडिटिंग में, और इसे प्रोजेक्ट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट वही हुआ, टेम्पलेट एंड प्रोजेक्ट। तो टेम्पलेट यानी कि ऑलरेडी है यहाँ पे, इसको एडिट करके आप यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो में एंड इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।